previously on Easy Paisa Rahi. मैं पीछे छोड़ के जा रहा हूं अपना घर, अपना शहर. I'll come back to you. अपना ख्याल रखना. दुनिया में हर जगह बाइक्स चलाने की इजाजत है. बहुत से मुल्कों में बाइक्स एंड बाइकर्स कंट्रीब्यूट अ लॉट टुवर्ड्स द टूरिज्म इंडस्ट्री. और एक हमारे लोग हैं और उनकी जबरदस्त लॉजिक. जो चीज समझ ना आए, संभाली ना जाए, उसे फौरन से बंद कर दो. यही हाल है मोटरवे पे बाइक चलाने के मसले का. खैर, दे कैन स्टॉप अस फॉरएवर. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. तो अब हमारा सफर होगा GT रोड पे, N5. तारीख के मुताबिक GT रोड तब भी मौजूद थी जब महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था, और इसे उस वक्त उत्तरापथ यानी शुमाल की सड़क कहा जाता था. बीइंग वन ऑफ एशियाज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एंशिएंट रोड्स, इट्स नोन एज सड़क आजम एंड बादशाही सड़क. अदर देन द ओकेजनल बम्प्स एंड द कंफ्यूज्ड पेडेस्ट्रियन एनकाउंटर्स, इट्स प्रीटी ग्रेट, लाइवली एंड हैपनिंग. This road takes us to our first stop, Lahore, पाकिस्तान के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर. कदीम तिजारती रास्तों और शहराओं पर वाकई होने की वजह से लाहौर ना सिर्फ ताजरों के लिए बल्कि हमला आवरों के लिए भी इंतहाई अहमियत रखता था. And Lahore has seen its fair share of invaders. बरसगीर में सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर रहा है. लाहौर के नाम के बारे में इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरीज और हिस्ट्री है. एक बिलीफ ये है कि रामा का बेटा लावा, जिसके नाम पे इस शहर का नाम लाहौर रखा गया, और दूसरा ओपिनियन ये है कि ये शहर दो भाइयों के नाम पे रखा गया, लाहू और कासू. लाहू से बना लाहौर और कासू से बना कसूर. मुख्तलिफ तारीख दानों का मानना है कि ये सब कहानियां हैं, और उनका कहना ये है कि लाहौर मुल्तान के नवाही इलाकों में से एक इलाका था. 14वीं सदी से लाहौर पंजाब का मरकज रहा है. लाहौर को कई नाम दिए जाते हैं, जिनमें से एक दाता की नगरी भी है. लाहौर के बारे में बहुत सी कहावतें मशहूर हैं, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया नहीं. और लाहौर मशहूर है अपने खानों के लिए, अपने जिंदा दिल लोगों के लिए. लाहौरी भी क्या कमाल लोग हैं, दे मेक यू फील अलाइव राइट अवे. लाहौर has produced the most iconic stars in the history of Pakistan, चाहे वो फिल्म हो, म्यूजिक हो, क्रिकेट या फिर टेलीविजन. Every great dream begins with a dreamer. हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी पर एक फिल्म बनी है. पर मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने ये एहसास बहुत ही छोटी उम्र में हासिल की. Meet Zenith. Zenith Irfan. Zenith एक इंतहाई काबिल, दलेर और एक्टिव राइडर है, जो अपने इंस्पायरिंग ट्रैवल एडवेंचर्स से नौजवानों को अपने ख्वाब पूरे करने की हिम्मत देती है. एंड वी ऑल नो हर एज द मोटरसाइकिल गर्ल ऑफ पाकिस्तान, एक लड़की जो अपने मरहूम बाप का दुनिया बाइक पर सफर करने का ख्वाब पूरा कर रही है. एंड शी इज डेडिकेटिंग हर ट्रैवल्स टू हर लेट फादर. कैन आई कम इन विद बूट्स? Yes, you can. Of biker वालों का घर है यार, of course. मैं रखा हुआ है तो. Salaam. In real life, Zenith की family उसकी हिम्मत और driving force है. And Zenith's mom is an absolute sweetheart. It's so good to finally meet you. मैं इनकी हिम्मत का बहुत बड़ा fan हूँ. You know, and what she's doing is great, and she's putting a lot of boys to shame. So many don't know how to ride. It's so true. Yeah, it's important because you see her father. I mean, 2 weeks before he passed away, I asked him, "What's your dream? Aapka dream kya hai?" You know. So he said that my dream is that, you know, like I want to travel the world, you know, on a bike. So while she was exploring his photographs, she asked me the same question that. And I told her that this is what he said to me, the last one of the last memories I have of him. We are into too much
इनटू डॉक्टर बनना है वो और ये करना है वो करना है, वी डोंट एक्सप्लोर आवर ड्रीम्स यू नो. बिल्कुल बिल्कुल. सो आई सेड टू हर दैट नो, योर स्टडीज विल बी गोइंग एट द साइड, यू वांट टू डू दिस, डू दिस. माशाल्लाह, यू आर एन अमेजिंग पेरेंट जी. I've been wanting to do this Pakistan trip for a while. One day I got up and I said, enough is enough. You know, when I told my mother ki main ja raha hu ek Pakistan trip pe, unhone kaha kya karna hai, chodo, itne aur to acche kaam kar rahe ho, kya zarurat hai jaane ki. But she has never been the person jo mujhe support na kare. But my father was like, tum bas jao. Zenith ko dekh ke to waqai bahut inspiration hoti hai. Aajkal Zenith apne purane, Zenith has become very active and which is mashallah very good. Very important lessons I have learned after being on the road, because I remember the first trip I took was when I was 20, and I was so young. And now that I'm 25, I feel that mera wo wala youth energy was so different to who I am now. I've become much more risk averse now. Main risk nahi leti hu, probably because main zyada calculated ho gayi hu with my approach. Mujhe lagta hai ki riding ne jo bachcha kucha tha usko bhi utha khidki se bahar kar diya. क्योंकि आपको एक और लेवल पे हम्बल करती है. यार दैट्स सो थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अब वक्त था ज़ेनिथ को एक मजेदार सरप्राइज देने का. राइडिंग द बिग बाइक्स. सो वी इंट्रोड्यूस्ड ज़ेनिथ टू हर फर्स्ट हार्ली डेविडसन. वेलकम ब्रो. कुछ लोग अपने पैशन और ख्वाब पूरा करते हुए औरों को भी इनेबल करते हैं कि वो भी अपने ख्वाब पूरे करें. मिस्टर तौकीर एंड इमरान फ्रॉम द हार्ली स्टोर आर टू पीपल हु ब्रॉट हार्लीज इनटू पाकिस्तान और ना जाने कितने लोगों के हार्ली ओन करने के ख्वाब पूरे किए. हाउ डिड इट ऑल हैपन? वेरी इजी एंड सिंपल पैशन. सो यू नो आई हैड अ बाइकिंग पैशन सिंस ऑलमोस्ट 20 प्लस इयर्स बॉट फॉर माय सेल्फ. इनफैक्ट माय एल्डर ब्रदर्स बॉट इट सो पास्ड ऑन टू मी एज वेल. And they were small harleys, 250 cc's, scramblers. That's where I started from, and then kept growing and growing and growing. Is much more brave and confident than I was on my first Harley. कुछ लोग थोड़े वियर्ड होते हैं, कुछ लोग पागल होते हैं, और कुछ लोग प्रॉपर क्रेजी मीटर बिल्कुल खिसके हुए होते हैं. I'm gonna come to Pakistan on a motorcycle very soon. My dear friend, Moin is proudly one of them. मोइन को बाइक चलाने का इतना शौक है कि भाईजान सैन फ्रांसिस्को से बाइक चलाते हुए पाकिस्तान पहुंच गए. और मोइन के एडवेंचर्स और अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर बताने बैठ गए तो शायद एक और सीजन बनाना पड़े. Bro, good to have you here. Thank you so much, man. Been a long time. I've been waiting for you. आएगा एक दिन. एक दिन. Man, from a sports bike to this amazing toy, man. Yeah. क्या transition है? I think so. Growing up, every kid वो sport bike fan होता है. Couple of years ago, somebody introduced me to dirt riding in California, and the first time I got on, I was like, ये क्या है यार? ये तो मुझे लग ही नहीं रहा motorcycle है. मुझे चलाना ही नहीं आता था. Exactly. The learning curve is just way high.
So I stopped riding streets. I got on a dirt bike, and since then, there's nothing else I want to do in life. I just want to ride my dirt bike. This is an entirely different freaking ball game. Absolutely. My heart was pounding. It was insane. I was loving every second of it. It's taxing. You're tired. You're sweating. First fall. So, what would you say to anyone who wants to get into this? I think ek dafa aake, just try it out. In my opinion, this is the pinnacle of two wheels. Yeah. This is where you can really hone your skills. Now in Pakistan, there's a bunch of races all year round. Cholistan Rally 15 saal se ho rahi hai. Sport bike racing or any motorcycle racing on the street is just too dangerous. I've lost a lot of friends. I just think it's a much safer environment to enjoy the spirit of two wheels, you know. This is Pakistan's first motorcycle track where you can come learn. This is a learning circuit where you can come and learn different skills that you can use on the road, off the road. Chalo, chalo, chalo! Helmet ke bagair nahi track pe aa sakte. Aram se. You know, something changed in me today. And today I feel that I'm a different rider because now I want this more than anything. Because you realize this is where all the freaking skill is. One thing's for sure, I'm coming back, I'm learning. Moin ki adventurous vibe aur energy itni infectious hai ki mujhe lagta hai ki agar uske sath ek aur din guzara to shayad main K2 pe chadh jaunga. Boy shortly. Seriously, he has that effect on people. Lekin kya kamaal aadmi hai. Man, what is it like to have your life partner share all of this with you? I've been blessed. I've been very lucky. She rides motorcycles with me. She's ridden Cholistan. I mean, that must be very encouraging for young women to ride. It is. I post a picture or two of her and riding. Mm. Women really want to come, experience two wheels, and this is a safe environment to learn. This has been a dream for way too many years. So this place has given me the chance to live. All of this is his life, his dream, and his passion. And mashallah, he's living it. Pura din dhool, matti aur khaddon mein bike chalane ke baad, subah uthna bahut mushkil tha. But aaj main bahut khush hoon aur excited bhi, kyunki main milne ja raha hoon apne mentor se. मैं सारा रास्ता सोचता रहा कि मैं कितना खुशनसीब हूं. मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने दिल के रास्ते पे चलते हैं, जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, हर हद को पार करने के लिए तैयार रहते हैं. सच पीपल कैन बी अ ट्रू इंस्पिरेशन. नाउ इट्स टाइम टू मीट माई इंस्पिरेशन. प्यारी है ये स्टिकर्स टुकर क्या है चड्डी बैठे चड्डी बेपरवाह चड्डी बेपरवाह episode of Easy Paisa Lahi.